यहाँ के जो विधायक वगैरह हैं उनका यहाँ पे फोकस ज़्यादा नहीं है, ये लोग लूट खसोट में लगे हुए हैं। अन्य ज़्यादातर यहाँ कोशिश करनी चाहिए कि भाई जैसे मोनू जी यहाँ के विधायक बन चुके हैं, पहले पार्षद भी थे, तो यहाँ की रोडों को चाहते बनवा देते। नहीं नहीं, रहने वाली बात है, केजरीवाल चोर है, मनीष सिसोदिया चोर है, ये जितने ये आम आदमी पार्टी में सारे के सारे चोर हैं, ये मोदी जी क्या हराएंगे। केजरीवाल नेता भी आते हैं, इलेक्शन जब आता है हर कोई माथा टेकने आता है, पंडित जी जीत जाऊंगा तो चार बाउंड्री करवा दूंगा, लेंटर करवा दूंगा, लेकिन जीतने के बाद यहाँ कोई नहीं। नमस्कार, मैं नसीब खान, आप देख रहे हैं प्रोग्राम किस्सा कुर्सी का, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आया हूँ पूर्वी दिल्ली में, जहाँ पर मैंने जनता से जाना कि किसकी बनेगी सरकार और किसको करेंगे वोट, और यहाँ का कुछ परेशानियों का जायज़ा लिया, देखा रोड की हालत खस्ता है और हमने जनता से पूछा। आइए जानते हैं, पूछते हैं, यहाँ हमने अभी रोड का देखा और आपको बताते हैं यहाँ के दर्द, पूछना चाहते हैं कि यहाँ क्या है, ये रोड को पूरा घेर रखा है, देखा है। देखिए, आप यहाँ से जाएंगे आगे जाके, ये जहाँ तक सिंगल है ये MCD के अंडर आती है, तो MCD से हमारे चुनिंदा हुआ जो विधायक हैं, जो MLA हैं, वो कुलदीप कुमार जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से आते हैं। निगम पार्षद हैं प्रियंका गौतम, वो भी आम आदमी पार्टी से हैं। मेयर है MCD में, वो भी आम आदमी पार्टी से है। इलेक्शन है दिल्ली का और आप देख रहे हैं, हमने अभी कैमरे की नज़र से दिखाया कि यहाँ के हालत क्या है। हम पूर्वी दिल्ली में इस समय मौजूद हैं, क्या लगता है आपको कि किसकी सरकार बनेगी, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री जो जी मोदी जी बनेंगे, क्योंकि मोदी जी बहुत लोकप्रिय नेता है यहाँ के, भाजपा से भी और वैसे भी पूरे दिल्ली NCR में भी। तो खैर, केजरीवाल जी की सरकार है, पर केजरीवाल सरकार को यहाँ पे 10 साल होने वाले हैं, पर जो यहाँ जेन्युइन जो सुविधा है, जैसे विधायक यह मोनू जी भी है, ये रोड के बारे में कोई सोचते नहीं है। गाजीपुर के पूर्वी दिल्ली में ये रोड आता है और इसको रोड को ख़राब हुए आज कम से कम 7 से 8 साल हो गए, और देखो मंदिर भी साफ़ सफाई नहीं हो पाती है, यहाँ खुला नाला है, बच्चे आए दिन गाय गिरती है, और पानी की सुविधा भी यहाँ बिल्कुल सप्लाई वगैरह कुछ ढंग से नहीं है, और रोड इतना बेकार है, प्रदूषण होता है, शाम को बच्चे वगैरह स्कूल जाते हैं बरसात में, यहाँ पानी इतना भर जाता है कि जिसकी वजह से गाड़ियाँ स्कूल की इधर आती नहीं है, पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पर समस्या है। अब इलेक्शन के टाइम पर एक चीज़ सुधार नहीं होगी तो कब होगी सुधार, यही हम दिखाना चाहते हैं अपने कैमरे की नज़र से कि अभी इलेक्शन है, तो इलेक्शन की वजह से ये सब चीज़ें सामने आनी चाहिए, सरकार को दिखना चाहिए, तभी हम जनता के बीच रूबरू हुए हैं, पहुँचे हैं, और हम यही चाहते हैं कि क्या लगता है आपको कि अभी जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, किसकी बनेगी सरकार? मौजूदा सरकार तो देखो, या तो दिल्ली में तो देखो जहाँ तक है कि सीटें ज़्यादातर भाजपा ही निकालेगी, क्योंकि भाजपा का प्रबल है मामला, बाकी जो वैसे जो यहाँ की जो विधायक वगैरह हैं उनका यहाँ पे फोकस ज़्यादा नहीं है, ये लोग लूट खसोट में लगे हुए हैं। अन्य ज़्यादातर यहाँ कोशिश करनी चाहिए कि भाई जैसे मोनू जी यहाँ के विधायक बन चुके हैं, पहले पार्षद भी थे, तो यहाँ की रोडों को चाहते बनवा देते। कभी कहते हैं कोई PWD में, कभी कहता है कि DDA में चला गया है, भाई पब्लिक को इस चीज़ से क्या मतलब। अब वो रोड उधर से बनता हुआ आया और अंबेडकर गेट से वो दिल्ली के इस रोड से मिला दिया, यहाँ के लोगों को छोड़ दिया। अब सोचो सर, दिल्ली में सटी हुई ये जगह है और दिल्ली के ही सड़क ये आ रही है, कोई ये तो है नहीं कि भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है जो यहाँ पर ये भेदभाव हो रहा है। सरकार तो सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए ना, जो भी है। अब यहाँ तो बिल्कुल इस रोड का 10 साल से कोई लेना देना ही नहीं कर रखा है, बहुत बुरी हालत है। इसकी वजह से देखो आप बच्चे अच्छे परेशान, प्रदूषण, धूल इतनी उड़ती है, शाम को सांस लेने में दुर्भार होता है, और ज़्यादातर यहाँ पे जो लोगों का व्यवसाय है वो भी इससे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, प्रभावित बहुत ज़्यादा होती है, ये चीज़ है। क्या लगता है आपको कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अभी मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री, और ये जो विपक्ष है जैसे राहुल गांधी हैं और इंडिया गठबंधन है, केजरीवाल हैं, तो ये तो सब कहते हैं कि वो 150 तो लाकर दिखा दें। ज़्यादा ही आई 150 से, तो 400 पार है, बार तो हम तो ये कह रहे हैं क्योंकि रोड बने, बस ही हमें सबसे बड़ी समस्या है रोड की हमारी, तो मूलभूत जो यहाँ पे सुविधा है वो रोड की है। रोड बन जाए अच्छा तो यहाँ के लोग भी चीज़ से खुश हो। देखो जी, हम तो मोदी जी से भी गुजारिश यही करेंगे और केजरीवाल जी से भी गुजारिश यही करेंगे, कम से कम इस रोड का देखें, दिल्ली से सटी जगह, अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेता आते हैं यहाँ, जनसभाएं करके चले आते हैं, इस रोड को देख के भी अनदेखा कर देते हैं। अब पता नहीं, चीज़ समझ नहीं आती है, कितने साल से ये ऐसा ही है? इसको पूरे 10 साल हो गए रोड को, 10 साल से ऐसा ही है। ये 2014 में 15 में बना था, उसके बाद इसकी कभी रिपेयरिंग नहीं हुई, कोई नाले की ढंग से सफाई नहीं होती है और मलबे डल जाता है जब रोड खराब होती है, उसकी वजह से यहाँ कोई काम नहीं, लोग मलबा डलवा देते हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं इतनी गंदगी है यहाँ पर कि खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, यहाँ पर लोग कचरा कूड़ा फेंकते हैं, जैसे वो डंपिंग ग्राउंड बना रखा हो उस टाइप। हाँ, डंपिंग ग्राउंड इस वजह से साफ सफाई होती नहीं है यहाँ पे। अब साफ सफाई होगी तो लोग कूड़ा भी नहीं डालेंगे, अब कूड़ा इसलिए डाल देते हैं, लोग देखते हैं अरे आवाजाही कम है, चलो कूड़ा फेंक दो, कोई बात नहीं। अब खोड़ा के अंदर भी जो पब्लिक है इनको भी मूलभूत सुविधा इसलिए नहीं मिल रही है, अगर खोड़ा के अंदर भी छोटे छोटे डंपिंग ग्राउंड बन जाए ना, जैसे दिल्ली में बना रखे थे, तो उससे फायदा रहता है कि लोग अपने घर के पास ही डालेंगे। अब क्या करते हैं, ड्यूटी जाते हैं, यहाँ फेंकते चले जाते हैं, अब यहाँ के लोग फिर उस गंदगी को झेलते हैं, महीनों पर साफ सफाई नहीं होती सही से, बड़ी गंदगी रहती है, बहुत परेशानी है यहाँ पे, ज़्यादातर परेशानी बरसात में पानी की,
वो पानी बैक मारता है फिर यहाँ। हाँ सर, घुसता होगा घरों में, घुसता है, मच्छर पैदा होते हैं, भर जाता है पूरा रोड पे पानी, यहाँ तक आता है, बच्चे पानी में आते हैं, पानी में आते हैं। अब सोचो सर, दिल्ली और यूपी बॉर्डर पे भले ही ये रोड है, पर है तो दिल्ली की, कुछ तो दिल्ली के केजरीवाल जी को सोचना चाहिए। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, 10 साल हो गए पूरे प्रचंड बहुमत से आए थे वो, पर यहाँ कुछ देखते ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते। फिर उनकी बेल हो गई है कुछ दिन के लिए, 1 जून तक के लिए, फिर वो आए हुए हैं, फिर अभी इलेक्शन लड़ेंगे, तो क्या लगता है किस तरीके से जीत पाएंगे? ये उनका निजी स्वार्थ है और निजी स्वार्थ के पर्पज से इन्होंने इलेक्शन के लिए, कैंपिंग के लिए, प्रचार के लिए इन्हें बेल इन्होंने ले ली। अब वो बेल ये आधार नहीं तय करती है कि वो दोषी है नहीं है। भाई दोषी नहीं होते तो ईडी क्यों गिरफ्तार करती, पहला, और दूसरा जब गिरफ्तार हुई है तो कुछ तो बात है, कोर्ट ने भी बोल दिया कि तुम्हारी जायज़ गिरफ्तारी। अब ये तो इन्होंने क्या है कि अपने कैंपिंग कर दिया है कि आधे लोग जेल चले जाते हैं, घपला करते हैं, लोकपाल बिल के लिए आए थे ये, इन्होंने क्या करा लोकपाल बिल पे? कुछ नहीं करा। जिस कांग्रेस के विधायकों के लिए और सोनिया गांधी के लिए ये लोग कह रहे थे कि मैं सबको जेल में डालूंगा अगर मैं मुख्यमंत्री बना, और उसी कांग्रेस से इन्होंने शुरुआत में पार्टी में इन्होंने अपने गठजोड़ से इन्होंने सरकार बनाई, भले ही 50 दिन चलाई लेकिन अपने स्वार्थ के लिए तो चलाई नहीं, कह देते जी राष्ट्रपति शासन लगाओ, लेकिन फिर भी इन्होंने क्या करा? इन्होंने कुछ नहीं करा, दोबारा पब्लिक ने भरोसा करके इन्हें बना दिया, बनाने के बाद भी लोकपाल बिल एक बार नहीं बना, दोबारा तो बनाते। केवल क्या करते हैं, लोगों को फ्री की रबड़ी खिलाते हैं, लेडीज़ों को बस में फ्री में सफ़र दे दिया, लेकिन लास्ट में जब राज्य सरकार में जाओ कर्जा होगा तो एक केंद्र सरकार से ही मांगेंगे, और जब केंद्र सरकार ने पैसा नहीं देगी तो क्या करेंगे कि मोदी जी हमारी मदद नहीं कर रहे और मोदी जी हमारे राज्य को विकसित नहीं कर रहे, कैसे करेंगे जब तुम फ्री में लौटा रहे हो, बिजली फ्री में दे रहे हो। वो एक कहावत है सर कि जिस राज्य की सरकार को या राज्य की सरकार किसी भी पब्लिक को फ्री में चीज़ बांटने लग जाए वो जल्दी बेरोजगार हो जाता है, और वही अब ये काम कर रहे हैं और उसी व्याप पे ये अपने कोशिश में लगे हुए लोगों को फ्री की रबड़ी बांट रहे हैं जीतने के चक्कर में, लेकिन ये गलत है। भाई आदमी मेहनत करता है, खाता कमाता है, जब ही तो करेगा। अब सबको जो घर बैठे चीज़ें मिलेंगी तो क्यों कमाएगा, और सारा कर्ज क्या होगा, हमारे राज्य पे होगा, राज्य के बाद हमारे देश पे होगा। आज GDP इतनी अच्छी है क्यों है, क्योंकि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, फ्री में तो कुछ नहीं बांट रहे, जीत वो भी रहे, तो ये क्यों नहीं ऐसा करते, क्योंकि इन्हें पता है जब मैं फ्री की चीज़ें बांटना बंद कर दूंगा तो मैं जीतना बंद हो जाऊंगा, इनकी ये प्रॉब्लम है। और उसी फ्री के ब्याप पे ही तो ये सच वोट मांग रहे हैं, अन्य बताओ इनके पास कोई ऐसा मुद्दा है कि जिसकी वजह से ये वोट मांग लें? राहुल जी भी महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे एक साल में। अजी राहुल जी की बात तो अब आप भी जानते हो, सब उन्हें किस नाम से जानते हैं, पप्पू के नाम से जानते हैं, वो झूठ ही बोलते हैं सदा। जो 70 साल पहले सरकार थी उन्होंने ये काम तब क्यों नहीं करे, जब अब बिल्कुल सत्ता से बिल्कुल बाहर हो गए तो अब कोशिश लगे हुए कि कैसी कहीं ना कहीं से हमारा जुगाड़ सेट हो जाए। लेकिन अब पब्लिक पढ़ी लिखी हो गई है, डेवलपमेंट हो गया है। अब पहले क्या होता है, नोकिया के फ़ोन चलते थे, अब एंड्रॉयड हो गए, अब सब समझते हैं कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। मोदी जी ने करके दिखाया है, भाई कोरोना अगर इनके टाइम पे आ जाता तो मुझे लग रहा आधी आबादी ख़त्म हो जाती, विदेशों में जाके हमारे देश की बेइज्जती करते हैं, विदेशों में जाके हमारे देश की बेइज्जती करते हैं। वैक्सीन जो लगी थी, जो कोविड शील्ड वैक्सीन लगी थी, तो ये साबित हुआ उससे कि जो हार्ट अटैक आ रहे हैं उस वैक्सीन लगने की वजह से आ रहे हैं? सर ये सब गलत है, वैक्सीन तो मैंने तीनों लगा रखी है, मैंने बूस्टर डोज मैंने लगवा रखी है, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज मेरे पूरे परिवार ने लगवाया है, तो मुझे कोई कुछ नहीं हो रहा क्योंकि मैं अपने हिसाब से खाता हूँ। अब कोई आदमी तली भुनी चीज़ें रोज़ खाएगा और ज़रूरत से ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों पर ध्यान देगा, सोचेगा ज़्यादा तो हार्ट अटैक नॉर्मल सी बात है, आना आना है। भाई अगर आदमी अपने खाने पीने पर ध्यान देगा तो क्यों नहीं होगा, ठीक रहेगा हमेशा। ये तो सिर्फ और यहाँ मौजूद हैं लोग हमारे सामने और हम उनसे जानना चाहते हैं राय कि क्या है, अभी इलेक्शन है दिल्ली में, क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? सर वो तो वोट खुलेंगे आने वाले समय में खुद ही पता लग जाएगा, सामने खुद ही नजर पहले से ही नज़र आ रहा है, मतलब कुछ पहले से ही खुद ही पता लग रहा है कि क्या होने वाला है, जब आ जाएगा तो सब सबके सामने नज़र आ जाएगा क्या होगा, और बाकी तो खुद ही सबके दिलों में है। क्या बहुत तगड़ा दंगल है इंडिया गठबंधन का है, कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, और एक तरफ BJP, तो उसमें क्या आप मशवरा देना चाहते? मेरे तो हिसाब से बस जय श्री राम है। इलेक्शन है दिल्ली का, हमने अभी कैमरे की नज़र से देखा ये हालत दिखा यहाँ के क्या है, और अभी हमने बात भी की है, तो क्या लगता है आपको कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी जी, हर जगह कहीं भी आएंगे तो मोदी जी आएंगे, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, इसलिए। क्या काम कर रहे हैं? घर में सिलेंडर दे रहे, छत दे रहे, हर चीज़ की सुविधा दे रहे, इसलिए मोदी जी आएंगे। केजरीवाल ने क्या दिया है, ये रोड आज तक दिया है? वो चोर नहीं होते तो जेल थोड़ी जाते, तो खुद ही चोर हैं, वो तो शराब घोटाले, ये बताओ ये चीज क्या, इससे तो आदमी मरता है। नहीं, वो घोटाला केजरीवाल का नहीं निकला, वो साबित कर दिया ईडी को, दे दिया उन्होंने 2022 में बीजेपी का पैसा गया था। नहीं नहीं, ये कहने वाली बात है, केजरीवाल चोर है, मनीष सिसोदिया चोर है, जितने ये आम आदमी पार्टी में सारे के सारे चोर हैं,
ये मोदी जी क्या आएंगे? केजरीवाल की कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ सबूत तौर पे मेरे पास हैं। जैसे कि एक एलपीजी हो गया, एलपीजी गैस सिलेंडर के बारे में, उनकी दिल्ली में सरकार है, दिल्ली में दिन दहाड़े चोरी हो रही है, मेरे पास एविडेंस है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और मेरे साथ अगर चलना चाहो एजेंसी पे मैं लेके भी चलूंगा आपको, अभी चलने को तैयार हूँ मैं, मेरे पास फुल एविडेंस है। जो ऑनर होता है ना, ऑनर ही खुद बोल रहा है दो दो तीन दिन के लो, चार चार किलो निकालो। मेरे पास एविडेंस मेरे फ़ोन में है, वीडियो है मेरे पास उनकी, वो उस एजेंसी का नाम है ध्रुव गैस एजेंसी, उसका ऑनर है संजय गुप्ता और अजय गुप्ता, ये चोरी करवाते हैं फुल तरीके से। हाँ मेरे पास देखो वीडियो है, चलो दिखाएंगे बाद में, है ना, वो है। और उनसे बोला गया, हमारे कस्टमर लोगों ने बोला, जैसे जो कस्टमर हैं कंज्यूमर जो गैस लेते हैं, तो वहाँ बोलने गए एजेंसी पे कि भाई मेरा 3 किलो कम है, 4 किलो कम है, तो वो कह रहा है जाओ जो कोई कुछ कर पाए कर लेना, 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए मैं लगाऊंगा। संजय गुप्ता जी जो है ना ओनर, वो बोल रहे हैं ध्रुव एलपीजी गैस एजेंसी के न्यू अशोकनगर। और यहाँ पर आपको रोड की हालत दिखाते हैं, क्या हालत है रोड की। ये इस समय आप देख रहे हैं कि इलेक्शन का टाइम है, नज़दीक है, और हम आज दिल्ली का दौरा किया, हमने देखा कि ये हालत कैसी है और यहाँ जनता निकलती कैसे होगी परेशानी। आप देख सकते हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी है, राजधानी होने के बावजूद आप दिल्ली के रोड देखिए। पूर्वी दिल्ली में समय मयूर विहार फेज 3 खा रहा हूँ अपने कैमरे की नज़र से कि आप रोड देखिए, यहाँ रोडों की हालत क्या है। आरसी से तो दूर की बात है, यहाँ पर बरसात में क्या हाल होती होगी। आइए हम जानते हैं कुछ लोगों से, यहाँ के मौजूदा जो लोग हैं उनसे जानना चाहते हैं कि इसकी हालत क्या होती है। जब ये बरसात का मौसम आता होगा तो यहाँ क्या हालत होती होगी। आज आप देख रहे हैं कितनी गंदगी है, यहाँ पर नगर निगम की कोई सफाई नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई किसी तरीके की रोड पर निकलने का वो है। और दिखाते हैं और हम जानते हैं यहाँ की जनता से और पूछते हैं। महाराज हम अभी पूर्वी दिल्ली में हैं, हमने देखा यहाँ रोड की हालत खस्ता है, आप यहाँ मंदिर की कुछ बात बता रहे थे, तो क्या लगता है आपको? मंदिर पर तो हर नेता भी आते हैं, इलेक्शन जब आता है तो हर कोई माथा टेकने आता है, पंडित जी जीत जाऊँगा तो 4 बाउंड्री करवा दूँगा, लेंटर डलवा दूँगा, लेकिन जीतने के बाद यहाँ कोई ना आता है। और कुछ प्रॉपर्टी का विवाद बता रहे हैं? कुछ प्रॉपर्टी का विवाद है कि कुछ बीजेपी के ही सदस्य इसमें घुसा हुआ है, कह रहे हैं बजरंग दल वाले कि मैं संगठन के नाम से मैं बैनामा ले लिया हूं, पहले DDA के जई थे, नौकरी करते थे, है सरकारी ज़मीन, मंदिर का उखम्मा तक ले दिल्ली की ज़मीन है, वहाँ पत्थर की दीवार लगी हुई है, जब पत्थर की दीवार लगी हुई तो यहाँ घोड़ा की ज़मीन कैसे आ गया। कहने का मकसद यह, मैं 28 साल से इस मंदिर पर बैठा हूँ, पहले दिल्ली थाना लाता था, खोड़ा आज तक ले तोड़ फाड़ नहीं कही है, DDA वाले होता है तो दीवार वाल घेरते हैं तो मना करने आते हैं। क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो बने आएंगे मोदी जी ही। और जो इंडिया गठबंधन के आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन, तीनों ने जो गठबंधन किया है, ये सब रह जाएंगे फीके। हाँ, सरकार को क्या करना चाहिए अगर बीजेपी सरकार आती है तो? कुछ उनके ऐसे मुद्दे कुछ लाना चाहिए पहले से, अगर दूसरी बार सरकार आए तो बीजेपी को सुधार लाना चाहिए। धर्म की सरकार है तो धर्म की सुरक्षा भी चाहिए, धर्म का जो जागृत लोग है उनको व्यवस्था चाहिए, ब्राह्मणों का क्या चाहिए? ब्राह्मणों का आदमी नमस्कार करता है तो ब्राह्मणों का छाती इतना ऊंचा हो जाता है, लेकिन मोदी जी वही एक गलत कर दिए हैं, सबको एक साथ बैठा दिए। पहले हमारे यहाँ ब्राह्मणों का पहले कोई भी भोज होता था, कोई भी जग होता था तो ब्राह्मणों को बुला करके पांच पर बैठा करके भोजन करा करके 10 रुपये दक्षिणा दे करके सम्मान मिलता था, अब वो सम्मान खत्म हो गया है। चलिए ठीक है, हमने पंडित जी का दुख दर्द समझा और उनसे पूछा कि ये रोड की सब मसले रोड के हैं, कि यहाँ का रोड का बहुत ही हालत खस्ता है और ये रोड पिछले 10 साल से ऐसा ही है, यहाँ पर बच्चे गिर जाते हैं जब पानी भर जाता है सीवर में, और एक दो बच्चे मर भी गए, ख़त्म हो गए, जब बच्चे स्कूल जाते हैं या उनकी माएँ यहाँ छोड़ने आती हैं तो बच्चे गटर में चले जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। तो निगम पार्षद जी लगती हैं हमारी आम आदमी पार्टी से, प्रियंका गौतम जी। प्रियंका गौतम जी को 3 बार और कुलदीप कुमार जी को 4 बार लिखित में एप्लीकेशन दे चुके हैं, ये पहले DDA के अंडर थी, 4/5/2023 से MCD के अंडर है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये अतिक्रमण हटाने आते हैं MCD वाले, ये हटाते हैं
और दिल्ली पुलिस से जो इनके बीट ऑफिसर होते हैं वो पहले ही आके बता देते कि भैया आज आप प्लान लगेगा एमसीडी का, हटा लीजिए आप, तो हटा लेते हैं, उसके बाद फिर वही डल जाती है। तो एक्चुअली इसमें दिल्ली पुलिस की भी कमी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार अतिक्रमण हटाना एमसीडी का काम है, लेकिन अतिक्रमण वापस ना हो ये दिल्ली पुलिस का काम है। तो एमसीडी के जो अधिकारी हैं उनको भी बहुत बार लिखित में कंप्लेंट दे चुके हैं, पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में बैठते हैं, कमिश्नर लगते हैं एमसीडी में, उनको भी कंप्लेंट दे चुके हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। ये तस की मस ऐसे की ऐसी है, ये रोड नाले की कंडीशन आप देख ही सकते हैं। बस कितने साल से ऐसा रोड है ये? यहाँ पर मैंने अभी पूछा था, कुछ लोग अरे बच्चे गिर गए थे पानी जब बरसात होती है तो उसमें, पानी जब बरसात होती है तो ये लेवल हो जाता है बिल्कुल, आपको पता नहीं चलता नाला कहाँ है रोड कहाँ है। तो एक आगे जाके हैं, एक बिल्डर का ही काम है उन भैया जी का, उनका बच्चा भी इसमें डूब के मतलब मर चुका है, वो कोई एक्शन नहीं ले पाए। पिछले साल की बात है, एक बाइक वाले थे, उनकी बाइक ही अंदर चली गई, इसमें समा गई बाइक, तो उनकी भी जान बड़ी मुश्किल से बची थी। अभी रिसेंटली 2-3 महीने पुरानी बात है, अफवाह मची थी कि कोई बच्चा गिर गया, वो गिरा नहीं था मगर अफवाह यही मची थी कि वो गिर गया। तो पूर्व चेयरमैन है रीना भाटी जी, वो आए थे और यहाँ से दिल्ली पुलिस से भी आए थे, और जेसीबी वेसीबी लगाई गई थी इस नाले में। तो मतलब इतनी गंदी कंडीशन है इस नाले की कि आए दिन लोग मतलब कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है इस पर। हम खुद उनको यूट्यूब फेसबुक ट्विटर के माध्यम से अवगत कराते रहते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं है, कैसा भी एक्शन नहीं है। आप चाहे तो उनसे भी जाके पूछ सकते हैं, कुलदीप कुमार जी लगते हैं विधायक और निगम पार्षद प्रियंका गौतम। रोड की हालत खस्ता है, आए दिन यहाँ पर हादसे होते रहते हैं, थोड़ी बारिश हुई और बारिश में जब लबालब पानी भर जाता है तो यहाँ पर बच्चे और बुजुर्ग गिर जाते हैं जिसकी कारण मौत हो जाती है। नाले की हम खस्ता हालत दिखा रहे हैं, रोड की हमने आपको दिखाई और हमने यहाँ का जायज़ा लिया और जाना कि पूर्वी दिल्ली में क्या हालत है, कितनी बुरी हालत है, अतिक्रमण आए दिन पड़ा रहता है यहाँ पर और कब्जा कर रखे है रोड पर। आप देख रहे थे प्रोग्राम किस्सा कुर्सी का और मैं अपने सहयोगी के द्विवेदी जी के साथ नसीब खान। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।